श्रीमद ओम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे ऋषि मुनि ऐसा क्या खाते थे जो बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। आपने प्राचीन ग्रंथों में सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि 1000 वर्ष, 10000 वर्ष, 2000 वर्ष, 500 वर्ष तक जीवित रहते थे। ऐसा क्या चीज था जो उन्हें स्वस्थ और जवान बनाए रखता। हम उन्हीं सब चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। साबुत अनाज, ऋषि मुनि पका हुआ खाना कम खाते थे, लेकिन साबुत अनाज उसमें शामिल था। इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स से हार्ट हेल्दी रहता है और कई बीमारियों से हमारा बचाव होता है। फिर सब्जियां, ऋषि मुनि की डाइट का अधिकांश भाग हरी पत्तेदार चीजें होती। इससे उन्हें जरूरी विटामिन और मिनरल के साथ फाइबर्स मिलते थे। उसके बाद दही, ऋषि मुनि के दिन में खाने में दही जरूर शामिल होता था। इससे डाइजेशन अच्छा होता था और पेट की बीमारियां से इनका बचाव होता था। फिर घी, देशी गाय का घी, ऋषि मुनियों की डाइट का एक जरूरी हिस्सा था घी। इससे उन्हें जरूरी फैट और एनर्जी मिलती थी, स्किन ग्लो करता था। उसके बाद दूध, ऋषि मुनि अपने आश्रम में गाय पालते थे और उसका दूध पीते थे। इससे उनकी हड्डियां मजबूत रहती थी और बीमारियों से बचाव होता था। फिर शहद, ऋषि मुनि जंगल में रहते थे और वहां पर शहद उनकी डाइट का एक अहम हिस्सा था। एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल के रूप में शहद बीमारियों से बचाव करता है। फिर आंवला, ये ऋषि मुनि की डाइट में फूड और मेडिसिन दोनों के रूप में शामिल था। इससे उनकी जो स्किन है वो हेल्दी रहती थी और बाल लंबे समय तक काला रहते थे। फिर फल, ऋषि मुनि ताजे फल खाते थे। ताजे फलों से बॉडी को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के अलावा फाइबर्स भी मिलते थे। उसके बाद मूल, ऋषि मुनि मूल यानी कई तरह के जड़ों का उपयोग खाने के लिए करते थे। इससे बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते थे और बीमारियों से बचाव होता था। फिर कंद, ऋषि मुनि जमीन के नीचे उगने वाले कंद खाते थे। इससे उन्हें एनर्जी मिलती थी, लेकिन ज़्यादा कैलोरी और फैट से बचाव होता था, तो पूरे फिट फाट रहते थे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।